ना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। ये मेरे खाने का मामला नहीं है ना मैडम, तो आप नहीं करोगे क्या? अरे आइए थाने, प्रभारी यहाँ बैठी है हाँ वो अलग है लेकिन यहाँ बैठती है इसलिए यहाँ लेके आया फरियादी को। फिर आप बोल दो हमको कि मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। बोल दो मैम मैंने आपकी सहायता की, अगला कदम उठाएंगे हम। क्या मेरी कार्रवाई नहीं होगी, मेरी कार्रवाई नहीं होगी मैडम, वाले पीआईओ करेंगे और अरे आप बैठ जाओ शांत हो जाओ। आ रहे हैं बता दिया मैंने, आप अपन अंदर मत जाओ। हां मैं अंदर बाहर ही रहो, वहीं चलना पड़ेगा। आ रहे हैं फिर इसको जाने का चलेगा। मैं यहीं चल रही हूं, मेडिकल करवाना चाहते हैं। दो रोज से एक नाबालिग बच्ची गौतम नगर से गुमशुदगी की रिपोर्ट डाली थी। अब जब जानकारी मिली पड़ी पता पड़ी कि एक लड़के के साथ वो बालिका कहीं पे गई हुई है। जब उस लड़के के साथ कोतवाली में पकड़ा गया और लड़के को छोड़ दिया गया और उसके बाद दो दिन तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, ना किसी पर नाबालिग बच्ची के साथ ना उसकी मेडिकल हुआ, ना किसी प्रकार की कोई कार्रवाई करी गई कहीं ना कहीं, और परिवार को बच्ची सुपरित भी नहीं करी गई, जिसके कारण कहीं ना कहीं गौतम नगर के निवासियों का और जितने भी हैं आज परिवार वासियों का सभी का विरोध रहा कि इस तरीके की कानून इस लापरवाही कर रहा है। कुछ एक पुलिस वाले हैं जिनका नाम सोनी करके है, विजय सोनी करके, उन्होंने तो पेरेंट्स से मिलने भी नहीं दिया, ये स्थिति रही है। महिला थाना प्रभारी ने बयान वो कुछ और दे रही लड़की और बयान कुछ और लिख रहा है, मेडिकल भी नहीं करवाया, और लास्ट में जाके जब लड़की परिवार के साथ सुप्रत हुई, जब कहीं जाके लड़की ने साफ साफ उनके मुंह पे बोला कि आप इस तरीके के मुझे बयान नहीं देने दे रहे थे, तो इस तरीके की घटना नाबालिग बच्चियों के साथ हो रही है तो कहीं ना कहीं गलत है, और उसके विरोध के कारण आज हम यहाँ बैठे। अगर कार्रवाई सही साठ नहीं हुई है तो हो सकता है हम आंदोलन करने के लिए भी उतारित हो जाए। इस पे आरोप लगा रही है लड़की, लड़की जो लड़के के साथ जबरदस्ती लड़का लेके गया था, उसको भेला फुसला के लेके गया था, फिर उसके बाद क्या ना मालूम क्यों प्रशासन उस लड़के पे कार्रवाई नहीं कर रही है। दो दिन हो गए आज, कहीं ना कहीं 24 घंटे 48 घंटे का मामला हो गया है, वो एक कस्टडी में रहने के बाद उसकी मेडिकल नहीं करवाया गया है, और फिर प्रशासन कहीं ना कहीं सपोर्ट उसका अपराधी का ले रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा क्या कारण है। उसके मेडिकल नहीं हुआ है, उस पर एफ आई आर नहीं हुआ, उसके बयान जो लड़की दे रहे हैं वो बयान नहीं लिख रहा है, दूसरा गलत सलत बयान रखा। जब परिवार के सुप्रत हुई है लड़की तो उसने बोला कि ऐसे मैडम जबरदस्ती हमसे लिखवा रही थी, जो थाना प्रभारी मैडम है। और एक विजय सोनी करके थे, वो कहीं ना कहीं परिवार से नहीं मिलने दे रहे थे। कौन है मैडम और ये विजय सोनी कौन है? ये तो थाना प्रभारी है मैडम, महिला थाना प्रभारी, और विजय सोनी औद्योगिक थाने में। परिवार जनों का ये भी कहना है कि उसका अपहरण करके रखा गया था। बिल्कुल 1001% रखा, फिर रात में जब माहौल बिगड़ा गया है तो कहीं ना कहीं उसको छोड़ दिया गया, और जब पकड़ा ही उन्हें ये तक नहीं मंजूर, इतनी सी बच्ची उसने कोतवाली थाना नहीं देखा है, वो कहीं अकेले नहीं जाती, वो कैसे आ गई थाने के अंदर, अकेले आ गई है और पुलिस पूरी ढूंढ रही देवास में जब तक नहीं मिली है, और अकेले वो थाने पे आ गई। क्या थाने पे आ सकती तो घर नहीं जा सकती थी अगर वो लड़की अकेले अपने दम पे गई थी तो? टीआई साहब की बात हुई, क्या बोले टीआई साहब अभी आपको? टीआई साहब का कहना था कि ये लड़की माँ बाप के डर के मारे माँ बाप से बात नहीं करना चाह रही, जो कि ऐसा टोटल गलत पाया गया, क्योंकि लड़की जब सुप्रत हुई थाना प्रभारी ने इन लोगों ने सुप्रत करी तो लड़की तुरंत बोल रही कि इन लोगों ने जबरदस्ती मुझसे बयान लिखवाया इस प्रकार के। भैया इस प्रकार से बयान यहाँ पे जो है कि यहाँ पे पहुंचे हैं, आपको हस्तक्षेप करना पड़ा, उसके बाद जैसे बता रहे हैं बयान में, क्या करने वाले हैं अब आगे? हमें तो सिर्फ न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए, और लड़के के साथ जिसने बदतमीजी करी, वसूली की करी, किसी प्रकार की उसके साथ हरकत हुई है, उस पर हमको न्याय चाहिए, उस व्यक्ति को सजा मिलना चाहिए, और जिस प्रकार से प्रशासन लापरवाही कर रही है उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो थाना प्रभारी हो, चाहे सब इंस्पेक्टर हो, चाहे कोई भी हो अधिकारी हो। ये चाहते हैं अजय तोमर। मैं गर्मी में चल रहा था, बड़ी हॉट टॉप चल रही थी, लड़की वहाँ नहीं गई और यहाँ पे आ गई, मैंने आईए थाने को इन्फॉर्म किया, तो उनके जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आए थे यहाँ पे, और फिर उसके मैंने स्टेटमेंट दिए, फिर लड़की से प्यार से पूछा जो भी है पूछा, उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उसके बाद वो आईए थाने के सुपरवाइजर दिया था।
मैडम आप पे आरोप लगाया जा रहा है कि आपने बयान को लेकर कुछ उनको बालिका जैसे बताएगी ना वैसे ही लिख लेंगे। बालिका से बिल्कुल प्यार से पूछा और सारे कैमरे लगे हुए हैं हमारे पास में, तो जैसे बालिका ने बताया वैसे ही स्टेटमेंट दिए। बच्चों की महिला महिला थाने का मामला आ गया था, तो क्या चाह रहे परिजन, क्या चाह रहे मैम परिजन अब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को बताएं कि वो क्या चाह रहे हैं। मुझे लड़की ने ऐसा कुछ नहीं बताया कि उसके साथ कुछ गलत हुआ हो या फिर कुछ ऐसा कुछ हुआ है। उन्होंने बोला था कि मैं मतलब सहेली के घर चली गई थी और वापस आ गई हूँ। लड़की का ऐसा आरोप है मैडम कि जो है कि आप पे आरोप है उस पे, क्योंकि मेरे को डराया चमकाया, मेरे को मेडिकल के लिए मना किया वगैरह। उसके बयान के हम रिकॉर्ड करते हैं, बयान रिकॉर्ड किए हैं, उसके स्टेटमेंट भी सारे रिकॉर्ड किए हैं और उसने जैसे बयान दिया ना वो स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किए हैं। मैडम उनका ये भी कहना है कि लड़की यहाँ पे थी तो परिवार वालों को भी जानकारी नहीं थी कि यहाँ पे लड़की है। परिवार वालों को जानकारी दी होगी, आईओ जो है ना वो जो जिस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे उन्होंने दी होगी जानकारी। क्या समझाई थी अंत में मैडम आपने? मैंने आईए थाने को सपोर्ट कर दिया था केस, उसके बाद में उन लोग इन्वेस्टिगेशन में देखेंगे जो भी हुआ और जो भी कार्रवाई होगी वो करेंगे। आपका नाम और पद? मैं इंस्पेक्टर चंद्रकला। Thank you.